नाज मंडी में दर्जन भर हथियारों से लैस बदमाशों ने मंडी की 3 दुकानों पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की। उन्होंने एक दुकान में लगा हुआ एलईडी व पैसों का गल्ला भी उठाने की कोशिश की, लेकिन दुकान के अंदर सो रही लेबर को जगाने पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। बदमाशों ने इसके बाद लेबर के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं और कुछ अन्य को भी चोटें लगी हैं। चोटे युवकों को इंद्री के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस घटना से खफा होकर लेबर के लोगों ने अनाज मंडी में काम बंद कर दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। लेबर के लोगों ने बताया कि रात 12 बजे के करीब कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और दुकान नंबर 157, 158 और 159 में लूटपाट करने की नियत से अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने एक दुकान का शीशा भी तोड़ दिया और दुकान में लगा एलसीडी व गल्ला भी उठाने लगे। हमने उनका विरोध किया तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। इसके बाद हमारे कुछ और साथी आ गए तो वह बदमाश भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद वो लोग एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अपने दर्जन भर साथियों को लेकर आए। इन लोगों के हाथों में डंडे, बिंडे व कुछ तेजधार हथियार थे और उन्होंने आते ही हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके चलते हमारे कुछ साथियों को काफी चोटें लगी हैं। लेबर के लोगों ने इस घटना के बारे में अपने दुकान मालिकों को बताया। पुलिस मौके पर तो जरूर पहुंची, लेकिन उनके आने से पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गई। आज सुबह मंडी में लेबर के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बदमाशों को तुरंत पकड़ने की मांग की। इस घटना के रोष स्वरूप आज लेबर के लोगों ने काम बंद रखते हुए मंडी में हड़ताल कर दी है। इंद्री मंडी एसोसिएशन के प्रधान हरपाल ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना देर रात की है, जिसमें कुछ हथियारबंद बदमाशों ने मंडी की दुकानों में लूटपाट करने व लेबर के साथ मारपीट की है। उन्होंने बताया कि इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस शहर में कुछ नहीं करती है, इससे पहले भी कई लूटपाट की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता है। इस बारे में इंद्री के डीएसपी रणधीर सिंह ने बताया कि देर रात मंडी में लेबर के साथ मारपीट करने की सूचना मिली है। कुछ बदमाशों ने दुकान में लूटपाट करने की कोशिश की है। मंडी एसोसिएशन की ओर से शिकायत दी जा रही है कि उनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी रणधीर सिंह ने कहा कि मंडी का सीजन शुरू हो गया है और मंडी के आड़तियों को मंडी के गेटों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बारे में कहा गया है और एक राइडर की ड्यूटी सारा दिन लगी रहेगी मंडी में। तो क्या हुआ है सारा मामला? उसने जब हम लोग 3 बंदे को पकड़ रखा था, उसके बाद वो आया और तीनों को अपना बाइक वाला चाबी लेके और उसके बाद तीनों को यहाँ से भगा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ नहीं, अपने वो गाड़ी भैन से वो सरदार जी को चढ़ाकर और निकल गया बाहर। कौन निकल गया? नहीं, हुआ क्या था? पुलिस वाले पहले क्या हुआ था? पहले उसके बाद आया और इसमें एलसीडी तोड़ रहा था, उसके बाद बंदे ने उसको बचाने का कोशिश किया और बक्से उठा रहा था, उस पर वो डंटा और बंदूक लेके उस पर तैनात हो गया और कत्ता लेके मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बंदे कुछ भागे इधर उधर, सब सारे भागने के बाद सारे इकट्ठा हुए और इसी जगह एक स्कॉर्पियो लगा हुआ था व्हाइट कलर की, जिसमें पत्थर मारने के बाद उसमें अगले वाला कांच टूटा हुआ है। उसके बाद आने के बाद फिर एक मोटरसाइकिल से 3 लड़का आया, उसके बाद फिर मारपीट किया। मारपीट करने के बाद फिर 3 लड़के को उसने फोन किया और डंटे और फोर्सा लेके आया और उस बंदे को जो पटरी था ये तोड़ दिया है और उसके बाद उसको बाद में पुलिस 1 घंटे की बाद ले गया उसको हॉस्पिटल। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई इसका निदान चाहिए, हम लोग को सुरक्षित चाहिए यहाँ। हम लोग लाला की सुरक्षित कर रहे हैं तो हम लोग को सुरक्षित करने वाला कौन है? हम लोग को चाहिए सुरक्षित, आपकी सामान की जब सुरक्षा में हम लोग मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, तो आप स्वयं जो सफल वाले हैं ये रात में जब फोन होने के बाद भी नहीं पहुंचे हैं 12:10 में, और जो राहुल ट्रेडिंग है ये पहुंचे हैं। रात लगभग 12:30 बजे के आसपास अनाज मंडी इंद्री में 157-158 नंबर दुकान पर कुछ बंदे 2 मोटरसाइकिलों पर आए। उन्होंने आकर के पहले एक दुकान के अंदर गल्ला उठाने की कोशिश की और एक दुकान के अंदर उन्होंने एलसीडी उतारने की कोशिश करी। तो लेबर जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने उसके रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने लेबर के साथ मारपिटाई करी। मारपिटाई करने के बाद लेबर के कुछ आदमी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद 2 मोटरसाइकिलों में तो 1 मोटरसाइकिल तो यही मौके पर लेबर ने पकड़ ली और 1 आदमी पकड़ लिया जो चोर आए थे। तो उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद एक
स्कॉर्पियो गाड़ी आई, उस स्कॉर्पियो गाड़ी में कम से कम 10-12 आदमी थे जो लट्ठों के साथ हथियार और बंदूक तक की भी लेबर ने बताई है जो मौके पे मौजूद थी, वही में बंदूक भी लिए हुए थे और हाथ में एक फरसा और कुल्हाड़ा भी लिए हुए थे जो उन्होंने फेंक के एक लेबर को भी मारा जो लगने से बच गया। उसके बाद लेबर काफ़ी इकट्ठे होने के बाद तो लेबर इकट्ठी होगी तो उन्होंने कुछ भागने की कोशिश करी। उसके बाद लेबर ने कार पर स्कॉर्पियो पर जो कुछ ईंट या पत्थर या कोई तांगड़ी ऐसी मारी जिसकी उसका स्कॉर्पियो का पिछला हिस्सा शीशा टूटे हुआ है। लेकिन उसके बाद पीसीआर जो आई वो लेट आई, पीसीआर के सामने भी दोबारा उस स्कॉर्पियो ने मंडी में चक्कर लगाया, पीसीआर ने उस स्कॉर्पियो को रोकने की कोई कोशिश नहीं करी ना ही कोई छानबीन करी। उसके बाद जिस बंदे को चोट लगी थी वो पीसीआर ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो कितनी चोट लगी है? उसको काफी चोट है और को भी लगी चोट की? और 3-4 बंदों को और चोट लगी हुई है, एक बंदे को ज्यादा चोट है। तो अब क्या स्थिति है? अब स्थिति मंडी में लेबर ने हड़ताल कर दी है, हड़ताल पे चली गई है अनिश्चितकालीन के लिए, भाई प्रशासन इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और लेबर के साथ साथ आड़ती एसोसिएशन भी लेबर के साथ पूर्ण रूप से खड़ी है कि भाई इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी जो में रात को शरारती तत्व थे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। ये रात को कोई 12:30 बजे की बात है, यहाँ मंडी की लेबर थी तो कुछ लड़के आए शरारती, उन्होंने उनके साथ मारपीट करी और मारपीट करके वो भाग गए। तो उसमें हमने अब पर्चा दिया, इन्होंने अब कंप्लेंट दे रहे हैं तो अब अभी हम FIR दर्ज करेंगे और जल्द से जल्द हम ग्राउंड अप करेंगे। अभी तो नहीं पता लगा लेकिन मैं भी लोकली पाएंगे, अभी उनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे लोकली मिले। क्या बात क्या हुई थी, क्यों मैं शरारती टाइप के लड़के थे, शराबी थे, उन्होंने यहाँ एक दुकान का शीशा भी तोड़ा है तो वो तो उनका मोटिव क्या था वो तो इंटेरोगेट करेंगे फिर पता लगेगा। कितने लोग आएगा सर इसमें? तो अभी तो 2-3 बता रहे हैं, बाकी एक स्कॉर्पियो भी आया वो भी वेरीफाई करेंगे। तो गश्त की भी मांग कर रहे हैं यहाँ, PCR रात को आई? हाँ PCR हम सोच रहे हैं, अब आगे सीजन भी है, PCR तो हम लगाएंगे यहाँ 24 घंटे लगभग, यहाँ PCR यहीं रहेगी। रात को भी आई थी PCR और मेरे बुला दिए, इस तरह क्या रोक है? नहीं यदि हमारी किसी PCR वाले की नेग्लिजेंस रही है तो उसके खिलाफ भी करेंगे, उसकी भी तो ड्यूटी बनती है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तो फिलहाल हम FIR दर्ज कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करेंगे। उनके पास कोई हथियार वगैरह भी पता नहीं? वो कह रहे थे कुछ वो जो बरछा टाइप या पता नहीं कुछ वो जो काटते हैं गन्ना गुन्ना काटते हैं गुंडासी टाइप की कुछ। असले का पता लगा कि असले वो तो उनकी पूछताछ में पता लग जाएगा क्या था उनके पास, उनको थ्रोली इंटेरोगेट करेंगे पता लगेगा। CCTV की भी कोई हिदायत नहीं गई यहाँ? अभी SHO साहब मौके पे, मैं मौके पे हूँ, जितना मैं CCTV भी जितनी भी है सारी हम लेंगे उसका। जैसे आपके सीजन आ रहा है इसमें कोई हिदायत दी गई हो? नहीं वो तो मैं मंडी के मैंने पहले भी बुलाए थे, अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी को यहाँ अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे सभी गेटों पे भी हो और मंडी का मतलब अपनी दुकान के बाहर के साथ साथ कहाँ वहाँ बाहर फील्ड में उसमें भी हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ आरती यूनियन से सभी से। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।